वासेपुर में पुल निर्माण को एक बार फिर एक्सटेंशन दिया गया है। निर्माण कार्य को दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है। अब ये पुल अगले 20 फरवरी तक बंद रहेगा। 21 फरवरी को खोलने की फिलहाल तिथि निर्धारित की गई है। 2 नवंबर से ये पुल बंद है। पहले 25 दिसंबर को खोलने की बात कही गई थी, फिर तिथि को बढ़ाकर 20 जनवरी तक कर दिया गया और 20 फरवरी को समय फिक्स किया गया है। वासेपुर पुल के निर्माण के लिए भूली धनबाद सड़क पर ट्रैफिक बंद है। 2 लाख आबादी परेशानी में है। जिला प्रशासन ने पहले 2 नवंबर से 25 दिसंबर तक के लिए ट्रैफिक ब्लॉक रखने की पथ निर्माण विभाग को अनुमति दी थी। इसके बाद फिर 20 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। रेलवे विभाग के तरफ से जो है ना, जिस तरह कोर्ट में डेट पड़ता है ना, उसी तरह डेट पर डेट पड़ रहा है। पहले हुआ था कि नवंबर से स्टार्ट हुआ, 25 दिसंबर तक काम खत्म करके दे दिया जाएगा। उसके बाद में फिर हुआ कि 20 जनवरी तक आपको काम खत्म करके हैंडओवर कर दिया जाएगा वासेपुर को। उसके बाद में अब जो है 20 जनवरी आ गया तो अब हो रहा है पीडब्ल्यूडी से विभाग से हम लोग को मालूम हो रहा है पेपर के जरिए कि 20 फरवरी तक रोड जो है, पुल जो है कंप्लीट होकर के वासेपुर के लोगों को मिलेगा। अब बताइए, डेट पर डेट पड़ रहा है, लेकिन विभाग के लोग आ करके देखे कि वासेपुर के लोग कितना परेशानी में है। जैसे बोलता है ना, पुरसरात का पुल जो होता है उस तरह जो है लोग आदमी पार कर रहा। एक छोटा सा गली है, 2.5-3 फीट का गली है, उसमें मोटरसाइकिल हजारों की संख्या में वासेपुर के, आजाद नगर का, भूली का लोग आना जाना कर रहा है। आकर के देखे किस तरह पर अब जो है वासेपुर के लोगों का सब्र का जो बांध है वो अब टूट रहा। हम लोग वासेपुर आवाम के तरफ से इनको 30 जनवरी तक के हम लोग टाइम दिए थे। 30 जनवरी तक किसी भी हाल में पीडब्ल्यूडी विभाग इसमें एकदम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। 30 जनवरी तक किसी भी हाल में जो अगर 10 लेबर लगता है, 10 लेबर के जगह में 20 लेबर लगावे, 25, अभी बताइए 3 लेबर से काम हो रहा है नीचे में, और उधर में 5-7 को लेबर लगा हुआ है, पुल का काम हो रहा है। कम से कम 40-50 लेबर लगा के काम करना चाहिए। हम चाहेंगे कि जहाँ पर जो काम 4 दिन में हो रहा है वहाँ पर लेबर लगा करके 1 दिन में उस काम को करें, और 30 जनवरी तक किसी भी हाल में रोड को चालू करें, आना जाना यहाँ के लोगों को मिले, अन्य तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। काम हम लोग बंद कर देंगे, भले हम लोग को 2-4 साल और झेलना पड़ेगा, झेलेंगे, लेकिन 30 जनवरी के बाद अगर हम लोग रोड में रोड चालू नहीं हुआ तो हम लोग जो है इस रोड को काम को हम लोग बंद कर देंगे। क्या लगता है भैया कि पुल का जो ये काम हो रहा है ये धीमी तरीके से हो रहा है या फिर इसमें और भी कोई वजह है? नहीं, क्या वजह है, पैसा की कमी है, क्या है? जहाँ पर लेबर लगाना चाहिए 20-25-50 लेबर लगाना चाहिए, वहाँ 3 लेबर 5 लेबर 7 लेबर से काम होता है। बताइए, इतना बड़ा पुल है, इसमें 5 लेबर 7 लेबर से काम होगा? अब जो है वासेपुर के लोगों का सब्र का बांध जो है टूट रहा। छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, घर के महिलाएं बाजार नहीं जा पा रही है, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, अगर किसी तरह कोई तबीयत किसी की खराब हो जाए तो रास्ता में दम तोड़ दे रहा है। डिलीवरी का मामला बहुत सारा ऐसा मामला है तो लोग परेशान हो जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लोग हम लोग पर आवाज उठा रहा है कि ये लोग कुछ नहीं बोल रहा। हम लोग बोलेंगे और हम लोग जो 30 जनवरी तक अगर नहीं हुआ तो हम लोग इस काम को बंद कर देंगे, भले हम लोग को 1 साल और हम लोग को झेलना पड़े। हम लोग मोहल्ला का आदमी मिल करके इसको यहाँ के काम करेंगे, लेकिन हम लोग काम होना बंद कर देंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग को चेतावनी देते हैं कि 30 जनवरी को हम लोग किसी भी हाल में कम से कम पैदल जाने का रास्ता हम लोग को यहाँ से दे दें। पुल निर्माण में देरी होने की वजह से कितने लोग यहाँ के प्रभावित हैं? कम से कम लाखों लोग, वासेपुर के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अब जाके देख लीजिए उस तरफ में रोड, जिस तरफ से चलने का रास्ता है वहाँ से हम लोग माँ बहने चल रही है, पता ऐसा गली है, रोड नहीं है, आदमी इधर से उधर से घूम घूम के जा रहा है, परेशान लोग, यहाँ के लोग जो है परेशान हाल है। जिस दिन जो है ना लोग के यहाँ पर होगा, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर के जमा हो जाएंगे। अब आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कम से कम, हम लोग जो मांग वासेपुर की तरफ से जो हम लोग डेट दिए थे, हम लोग का इस तरह का डेट कोर्ट में जो डेट पड़ता है उस तरह का डेट नहीं मिले। पहले मिला हम लोग दिसंबर, फिर मिल गया हम लोग को जनवरी, अब मिल रहा हम लोग को फरवरी, फिर मिल जाएगा मार्च अप्रैल। सामने हम लोग सुबरात आ रहा है, रमजान सामने में है, बताइए कि इस तरह का जो मामला हो रहा है हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग आवाम, वासेपुर आवाम के तरफ से हम लोग 30 जनवरी इसको टाइम दिए हैं, 30 जनवरी तक किसी भी हाल में इसको कम से कम हम लोग को पैदल चलने का रास्ता बना दे, नहीं तो हम लोग यहाँ पर काम होना नहीं, काम करेगा नहीं, काम हम लोग बंद करा देंगे। नाम बताइए। मैं मोहम्मद इशारा आलम, वार्ड काउंसलर, धनबाद नगर निगम, वासेपुर। परेशानी का अंदाज़ा लगाना है तो आप जाइए एक बार रास्ते से गुजर के देखिए, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना रोग परेशानी हो रहा है। बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं और ये अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम मिल रहा है कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा,
कम से कम पैदल चलने का तो टाइम उनको बनाना ही चाहिए। जितना परेशानी आज है वहाँ पर आए दिन झगड़ा होता है, रास्ते में जाने के लिए आए दिन झगड़ा है, कभी उसके लिए कभी उसके लिए, मतलब लोग परेशान हाल है। लेकिन ठेकेदार को इसके जरा सा भी कोई असर नहीं है कि लोग परेशानी में किस तरह से जी रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इसका जारी किया जाए। नाम बताइए तो भैया। मोहम्मद आफ्ताब खान वाले। सभी को परेशानी हो रहा भाई, जो प्रशासन है कि हर हफ्ता हर महीना को महीना डेट देते जा रहे हैं, अगर 20 जनवरी को नहीं हुआ तो जो होगा फिर प्रशासन अपना देखेगा। ये पुल नहीं था, ये लाइफ लाइन था इस इलाके का। वासेपुर का ही मामला नहीं है, पूली कतरास और जो भी जो इलाका इधर बसता है ये उसका लाइफ लाइन था। 4-5 लाख लोगों की आबादी बसती यहाँ पर, और पुल बनाने वाली जो एजेंसी और जो ठेकेदार है उनको जब तक कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं बनाया था उन्होंने, इनको पुल को तोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये गैर जिम्मेदाराना काम किया है इन लोगों ने और लोगों को कठिनाई बहुत हो रहा है। आप पता कर लें जो अल्टरनेट रास्ता है, जो छोटा मोटा गली, वहाँ पर हर रोज़ जो है जाम लग जाता है। आप दिखा दीजिए इस तरफ, देखिए किस तरह से लोग जा रहे हैं, छोटा छोटा रास्ता गली कूचों से। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम इन लोगों ने किया है और लोगों को बहुत परेशानी में डाल दिया है, नाकाबंदी कर दिया है एक तरह से। एजेंसी को चाहिए था जो जो उनका जो टाइम पीरियड था 55 दिन, उन्होंने कहा था, लोगों ने कहा ठीक है चलो 55 दिन हम लोग कष्ट कर लेंगे, तकलीफ उठा लेंगे, लेकिन 55 दिन से ज़्यादा हो गया है और अभी भी कब ये पुल बनेगा कोई कह नहीं सकता। और ये लाइफ लाइन कहा जाता है, और पुल के टूटने से ना सिर्फ आवाजाही लोगों का बंद हो गया है बल्कि इस इलाके में जो छोटे मोटे दुकानदार थे सब उनका बिजनेस ख़त्म हो गया सारा। और जिस तरह से ये पुल का काम इन लोग कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि ये आने वाले दिनों में जो है वो कंप्लीट हो सकेगा। इसलिए राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, राज्य सरकार है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं, उनसे यहाँ की जनता अपील करती है कि वो इस पुल को जो है प्रायोरिटी बेसिस पर जो है इसका निर्माण कराया जाए, दिन रात काम करा करके। नाम बता दीजिए। मेरा नाम असदुर रहमान हुआ। अब एक बार फिर 20 फरवरी की डेडलाइन तय की गई है। इस पुल के निर्माण पर लगभग 2,25,00,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। आवागमन बाधित होने से धनबाद भूली मुख्य रोड पर वाहन नहीं चल रहे हैं, यहाँ तक कि बाइक के आने जाने का भी रास्ता नहीं है। बाइक सवार वासेपुर की तंग गलियों से होकर भूली मोड़ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ भी लंबा जाम लगा रहा है। प्रशासन ने जो वैकल्पिक रास्ता दिया है उस मार्ग की दूरी दोगुनी हो जा रही है। ये बात अलग है कि पुल का निर्माण हो जाने के बाद यहाँ जाम की समस्या नहीं रहेगी। भूली कतरास और वासेपुर के लोगों को पुल होकर धनबाद पहुँचने में सहूलियत हो सकती है, लेकिन पुल निर्माण की गति बहुत धीमी है, इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अब पथ निर्माण विभाग को ठेकेदार पर दबाव बनाकर 20 फरवरी तक पुल का निर्माण पूरा कर देना चाहिए, जिससे लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। लोग अब देरी से नाराज दिख रहे हैं। धनबाद से संतोष की रिपोर्ट।